गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू आर अकेडमी नीट गाइज जल्दी जल्दी से सबको बता दो आ गए हम यस yes, क्लासेस थोड़ा संडे को लेट शुरू होती है क्योंकि आपका कॉम्बैट एग्जामिनेशन होता है 11:45 तक है ना तो कॉम्बैट तो दोगे ही जितने बच्चे कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्लास मिस हो जाए सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन टुडे क्विकली ऑन ये चैप्टर ये बैचेस स्टार्ट हो चुके ऑलरेडी बेटा मंडे को टेस्ट होगा मंडे को जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ दैट इज ऑफ प्रोटेस्टा तो प्रोटेस्टा को रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लेना लेट्स सी मैक्सिमम पोर्शन उसका कवर हो जाए ठीक इसके अलावा प्लांट किंगडम का भी सेशन होगा प्लांट किंगडम विल ऑल्सो बी देर ऑन मंडे 5 पी अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बेटा एक ही सेशन हुआ है मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर इट हो नेट क्यों नहीं आ रहा अरे आवाज आई अभी आई हाँ तो नेट जो आपके पास ठीक है आगे आगे आवाज आगे अरे तो निश्चय बैच के अंदर हमारे पास प्लांट किंगडम चल रहा है पहला निश्चय प्लस बैच में एक ही सेशन हुआ है आप एनरोल कर सकते हो मल्टीपल सेशन के लिए ठीक है आप ज्यादा सेशन हो जाएंगे ज्यादा बेटर है ठीक है पढ़ते जाओ साथ, साथ ओके आज का टॉपिक पॉलिनेशन शन टूडे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स का तीसरा लेक्चर एंड वी आर कवरिंग पॉलिनेशन कम्प्लीटली टूडे क्योंकि इसके बाद आपकी कोई क्लास है नहीं तो हम ये टॉपिक करेंगे आई एम कोदी टेकिंग वॉटमी से हमारा टाइमिंग है इलेवन थर्टी ए एम ठीक है इलेवन थर्टी ए एम एंड प्लस पे वी आर टेकिंग सेशन एट फाइव पी एम एज वेल एज 7 pm अभी फिलहाल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेशंस में करा रही हूँ बेटा 8 बजे ठीक है तो 8 बजे आज रात को आ, का नेक्स्ट सेशन होगा डेवलपमेंट वाला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो जितने बच्चे मेधावी बैच में मेरे साथ पढ़ रहे थे आई एम मौसम बहुत अच्छा है तो आज पढ़ने का मूड नहीं है मौसम का भी चलो डेवलपमेंट जिसको पढ़ना हो में में आ जाना स्पेशल क्लास है आज बजे क्विकली आपको पोस्ट में भी लिंक मिल जाएगा ओके okay, चलो लेट्स राइट पॉलीनेशन एक सिंगल पेज पे आएंगे बेटा सारे नोट्स ठीक है पॉलिनेशन Now, what exactly is pollination? Pollination is transfer of pollen from anther to stigma. Okay? So, pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा आंसर और कौन सा स्टिग्मा ठीक है कौन से वाले फ्लावर का आंसर की बात कर रहे हैं हम किस प्लांट के स्टिग्मा की बात कर रहे हैं हम ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आ जाती है तो अब हम बनाएंगे दो पेड़ ठीक है चलिए

ऑब्वियसली इतनी स्पीड में तो नहीं बनाओगे बट ठीक है बना लो कर लो ड्रॉ फटाफट मैं संडे को दो क्लास है सिर्फ वो भी नहीं अटेंड हो रही है ऐसा ना करो बेटा ओके okay. अब यहां से क्या होने वाला है हमारे पास तीन तरीके के पॉलिनेशन आने वाले पहला पॉलिनेशन देखो इसी आंतर से निकला हुआ पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिर जाए दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी ऑटोगेमी ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ गेमी मीन्स फ्यूजन खुद से ही फ्यूजन शो कर रहा है अपने ही दोनों को फ्यूज करा देता है। ठीक है? हाँ, ऑटोगेमी फिर आता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट फ्लावर्स है एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं और उनमें एक्सचेंज हो जाता है जैसे फॉर एग्जांपल इसका पोलन इधर चला जाए और इसका पोलन इधर चला जाए तो दिस विल बी नोन एज गाइटनो गेमी नाउ गाइटनो गेमी इज फंक्शनली फंक्शनली अक्रॉस पोलिनेशन दिस इज फंक्शनली अक्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि देखो पोलन को ट्रांसफर कराने के लिए मुझे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा बेटा कि तुम यहाँ से यहाँ पोलन लेके जाओ यहाँ से यहाँ पोलन लेके जाओ तो ट्रांसफर करने में मुझे मदद चाहिए किसी की लेकिन जेनेटिकली जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली क्योंकि सेम पेड़ पे ही तो हो आप है ना जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज यू आर ऑन द सेम प्लांट एक ही पेड़ है तो जेनेटिकली ये और ये सेम ही थे जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा वो मियोसिस से आया होगा क्योंकि गेमीत बनाते टाइम हम एक स्टेप मियोसिस का कराते हैं पीछे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाते टाइम है ना लास्ट कंडीशन जिसमें मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी और वो ये है इसका आंसर अगर इसके पोलन अगर इधर आ जाए ऑन दर फ्लाट दिस इज नोन एज जेनोगेमी जेनो मीन्स फॉरन फॉरन पार्टिकल है किसी और प्लांट से मूव किया है दैट इज नोन एज जेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है वहीं पे दिस विल बी नोन एज ऑटोगेमी तो मैंने बता ही दिया था सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है बेटा बेसिक पॉइंट पॉइंटा का टेस्ट होगा बेटा आपका प्लस पे प्लस वाले बच्चों के लिए शाबाश आ जाओ अब आगे नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर

उ दे इंश्योर कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो तो उसके लिए हम कुछ अडेप्टेशन देखेंगे प्लांट के इसमें हमारे पास आ जाता है, बेटा तीन मेन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट मोनोक्लिनी मोनोक्लिनी का मतलब होता है बाइसेक्शुअल फ्लॉर होना जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करना है मतलब मेरे ही फ्लार के पोलन इसी स्टिग्मा पे गिर जाए तो क्या होना चाहिए दोनों सेक्सेस होने भी तो चाहिए मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो सो देर शुड बी अ अक्सुअल फ्लावर उसको हम कहते हैं मोनोक् ठीक है सेकेंड कंडीशन होमोगेमी होमोगेमी का मतलब होता है दोनों सेम टाइम पे मैं हो जिस टाइम एंथर में से पोलन डिहाइस होगा उसी टाइम पे मेरा स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए टू कैप्चर द पोलन क्योंकि अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस है तो पोलन रिलीज हुआ स्टिग्मा बोला मेरे को अभी नहीं चाहिए पोलन पोपट हो गया है ना तो ऐसा पोपट नहीं कराना है सो बोथ द सेक्स ऑफ द फ्लावर शुड एट द सेम टाइम एंड दैट इज कॉल्ड एज होमोगेमी ठीक है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नोन एज क्लेस्टोगेमी अब बेटा इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सारी जिंदगी इसमें कंफ्यूजन रहता है दो तरीके के फूल होते हैं एक जो खिलते हैं दूसरे जो कभी नहीं खिलते हैं दे डोंट ओपन ठीक है आपको जो फूल दिखाई देता है वो खिल रहा है है ना जो खिलता है फूल उसको हम बोलते हैं कैजमोगेमस तो मेजोरिटी जो आपको दिखाई देते हैं वो कैजमोगेमस ही होते हैं दे ब्लूम वो खिला फूल आपको दिख रहा है कुछ ऐसे फ्लाज होते हैं जिनको खिलना ही नहीं है दे विल ऑलवेज रिमेन क्लोज हमेशा 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 के लिए तो मैम बनाया क्यों क्योंकि इसके अंदर ही आंथर है इसके अंदर ही स्टिग्मा है अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगी और अंदर ही धीरे धीरे इसका ओवरी फ्रूट में बदल जाएगा इट विल नेवर ओपन ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स ठीक है दे रिमेन इन विच द फ्लावर नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ अब अगर कोई फूल ओपन ही नहीं हो रहा है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं क्यों उसको ऊपर रखूं फिर बहुत सारे प्लांट्स अगर क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स बना रहे हैं क्लेस्टोगेमी यूज कर रहे हैं क्लेस्टो का मतलब ही होता है क्लोज क्लेस्टो योर मींस क्लोज ठीक है अगर कोई फ्लावर है मेरे पास और वो क्लोज है बेटा तो उसको ऊपर रख के फायदा क्या उसको अंडरग्राउंड रखो ना जगह बचेगी तुम्हारी ठीक है तो इसलिए एराकिस ग्राउंड नट पीनट जिसको आप बोलते हो एरैकिस इसका साइंटिफिक नेम ग्राउंड ग्राउंडनट पीनट जिसको आप जमीन से निकाल रहे हो जमीन से सीड कैसे आ रहा है सीड से आता है ना ओव्यूल फ्लावर में होता है ओवरी के अंदर फ्लावर तो ऊपर होता है ये अंडरग्राउंड सीड कैसे आया ऊपर फर्टिलाइज होके मैम नीचे चला गया नहीं द फ्लावर वॉज अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड फ्लावर खिलवाओगे कैसे तुम जमीन के अंदर है फूल कैसे खिलवाओगे खिलेगा ही नहीं इसका मतलब वो क्लोज फ्लावर है दोज आर कॉल्ड क्लिसटोगेमस फ्लावर्स दे विल 100% इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन बाहर से पोलन आ ही नहीं सकता खुला ही नहीं वो कभी है ना कभी खुला ही नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए क्लोज है बेटा अब देखो इसमें एक गड़बड़ हो जाती है हमारे पास कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है सेल्फ पोलिनेशन में अपने ही पोलन अपने ही स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज इन ब्रीडिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सेम ही सेम ही जेनेटिक कॉम्पोजिशन में क्रॉस हुए जा रहा है जनरेशन से जनरेशन अब कुछ प्लांट्स को ये डर है कि भाई इतना भी ठीक है एडवांटेज क्या है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दैट इट इंश्योर्स सीड सेट

जो इंश्योर करें कि सीड सेट हो अगला जनरेशन आए ही आए एंड नोन एज क्लेस्टो गेमारेराज ऑक्जालस नहीं दिया भी आएगा ठीक है वेराज कुछ फ्लास ऐसे बनाते हैं जो ऊपर उगते हैं वो खिलेंगे भी तो दोनों तरीके के फूल बना रहा है वो ऊपर वाले फ्लॉर किसलिए बना रहा है ताकि जेनेटिक वेरियबिलिटी आ सके बाहर से कोई पोलन आ सके एक बार इसको श्योरिटी मिल गई ना सीट तो आ ही रहे अगला जनरेशन तो आ ही रहा है तो बोला चल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कुछ फ्लावर ऊपर बना देते हैं जिनमें पोलिनेशन हो जाए बाहर से भी आ जाएगा मीन तो कुछ सेल्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी अच्छा आ जाएगा अगली प्रोजेनी में और कुछ तो सेम जाहिर है अपनी ज्यादा डिफरेंस के साथ नहीं है थोड़ा बहुत वेरिएशन है ठीक है चलेगा जितना मियोसिस से आता है नया कॉम्बिनेशन वाला कहानी ठीक है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एट इंश्योर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वेरी लेस और नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नो तो नहीं कह सकते क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो रहेगा मी जितना तो वील से लेस जेनेटिक वेरिएशन ठीक है लेस जेनेटिक वेरिएशन क्लियर बेटा यहां तक यहां तक लिख लिया सिर्फ एक ही बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है आवाज की तो बेटा आप अपनी तरफ चेक कर लीजिए ओके okay. चलो चलो नेक्स्ट तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे ही जो क्रॉस पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं जो थोड़े मस्त दबंग प्लांट्स हैं उनको बोला पोलन तो बाहर से ही आएगा क्योंकि अगर अगली जनरेशन आएगी तो अच्छी आएगी अच्छी जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ ही आएगी ये अपने जैसी कॉपी के कोई फायदा नहीं ठीक है तो भीड़ नहीं मचानी है बहुत सारे सीड्स नहीं चाहिए वी वॉन्ट क्रॉस पॉलिनेशन ओनली सो हाउ टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन एडेप ऑफ क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट जिनको आप आउट ब्रीडिंग कॉन्ट्रोवेंसिस भी बोलते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइज कैसे इंश्योर किया जाए कि बाहर से पोलन आएगा और बाहर वाले पोलन से ही पॉलिनेशन होगा इंटरनल पोलन से पॉलिनेशन नहीं होगा अपना पोलन नहीं गिरना चाहिए स्टिग्मा पे सिंपल फंडा ओके टू इंश्योर दैट ना डायक्लिनिक पीछे था मोनोक्लिनी एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों चाहिए डाईक् में मेल फीमेल को जितना दूर रख सको उतना अच्छा क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए ठीक है तो मेल फ्लावर अलग बने फीमेल फ्लावर अलग बने बहुत ही अच्छी बात है तो सबसे पहले तो आई वॉन्ट यूनिसेक्सुअलिटी इट विज आइदर बी मेल फीमेल और मेल नॉट अ बाइसेक्सुअल फ्लॉर फिर दो कंडीशन आती है अगर मेल और फीमेल फ्लॉवर अलग बनता है तो मेल और फीमेल फ्लॉर अलग बनने के बाद मेल और फीमेल फ्लॉर अलग होने के बाद मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं एक कहलाता है मोनो एशियस मोनोमीन्स वन एशियस मीन होम तो एक घर मोनो एशियस कंडीशन दूसरा आता है कि फीमेल एक सिंगल प्लांट पे है और मेल एक अलग पेड़ पे है दो अलग घर है हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज डाइशिस कंडीशन मोनोइशियस कंडीशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी को तो अवॉइड कर सकते हैं लेकिन गाइटनोगेमी अभी भी हो सकता है सेम पेड़ पे मेल और फीमेल है इसका आंथर का पोलन उड़ के यहां तक आ सकता है है ना तो जो हमारे पास मोनोइशियस कंडीशन है दैट अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन बट नॉट गाइट है ना मोनोइशियस जो प्लांट है मेरा बेटा इट विल अवॉइड इट विल अवॉइड ऑटोगेमी बट नॉट गाइड जबकि डायशियस प्लांट के साथ क्या होगा मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो डायशियस प्लांट इज गोइंग टू अवॉइड बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटनोगेमी यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई तरीका ही नहीं है दो पेड़ अलग अलग हैं मेल अलग फीमेल अलग अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर तो दोनों पे आ रहे हैं इस पे फीमेल फ्लावर आ रहे हैं उस पे मेल फ्लावर आ रहे हैं ठीक है अब मेल फ्लावर वाले प्लांट में ओवरी नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि वो मेल प्लांट है ठीक है तो फूल तो खिलेगा लेकिन फ्रूट नहीं आएगा मेक सेंस अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हर साल फ्लावर तो आते हैं लेकिन फ्रूट नहीं आते हैं दैट मीन्स वो एक मेल प्लांट है इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली पोल रिलीज समझे मेरी बात बिकॉज अगर फ्लार आने के बाद फ्रूट नहीं आ रहा है इसका मतलब ओवरी नहीं है और ओवरी नहीं है तो मतलब सिर्फ मेल फ्लारो इन डाइशियस कंडीशन वी विल फाइंड प्लांट बॉडीज विच फ्लॉर ब्लड बट डू नॉट गिव एस फ्रूट हमारे पास फ्रूट नहीं देखे जाते हैं ठीक है आपको दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे पिछले दो मिनट में जो मैंने दो लाइनें बोली है उन पे ठीक बेटा शाबाश शाबाश चले आगे गुड क्लियर ना यहां तक अब कर लेना पोर्शन कंप्लीट अगर ऐसी हालत रही तो फिर जेनेटिक्स सोच लो तुम क्या करोगे जेनेटिक्स बड़े चैप्टर होता है बेटा है ना दे बिग बिग चैप्टर आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट एनी टाइम ऑन इट ठीक है एक बारी हम लोग जनवरी और फेबर के अंदर जेनेटिक्स कंप्लीट कर गए तो आप मिड फेब मान के चलो आई विल बी कवरिंग योर प्लांट ग्रोथ एंड ये इकोलॉजी वाला पार्ट मैं शुरू कर दूंगी है ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए आसान हो जाएगा तो उनको भी हम साथ ले लेंगे ठीक है अभी तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो सारे तो आपके ऊपर तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है बट आएंगे अभी फेब मार्च में जागेंगे टर्म टू के लिए धीरे धीरे तो आएगी कहानी ओके क्लियर यहां तक ठीक चलिए नेक्स्ट डाइकोगेमी डाइकोगेमी मींस अगर चांस मेरे पास ऐसा फूल आ गया जो सेल्फ सेक्शुअलेशन है, है? तो प्लांट को बोला कि नहीं तुम यूनि फ्लावर बनाओ तो सब किसी के किसी समझ में आ गए कि यार अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना तो मेल अलग रखो फीमेल अलग रखो सॉर्टेड जिंदगी इसमें ये कहां डार्क है तो जिंदगी है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है अगर आपका फ्लॉर बोले नहीं अब तो बाईसेक्सु फ्लॉर बन गया अब मैं क्या करूं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज आप या तो मेल को पहले मेच्योर करा दो फीमेल को लेट करा लो थोड़ा मेच्योर या फीमेल पहले मेच्योर हो जाए मेल बाद में मेच्योर हो जाए ठीक है सो टू कंडीशन प्रोटैंड्री वेयर द मेल मेच्योर फर्स्ट एंथर ऑफ द फ्लावर मेच्योर अर्लियर ठीक है प्रोटोगाइनी द कार्पल ऑफ द फ्लावर मेच्योर अर्लियर ठीक है बेटा दो कंडीशंस हैं या तो मेल पहले मैच्योर हो जाए या फीमेल पहले मैच्योर हो जाए अगर मेल पहले हो रहा है प्रो प्रो मींस फर्स्ट प्रोटैंड्री एंड्रस कंडीशन पहले मैच्योर हो जा रही है और प्रोटोगाइनी तो पहले फीमेल पार्ट इज गेटिंग मैच्योर ठीक है तो टाइमिंग का डिफरेंस हो गया जिस टाइम पे मेल से एंथर में से पोलन निकलेगा उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है जिस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा उस टाइम पोलन नहीं है सिंपल ठीक है सो दैट इज वॉट वी कैन डू प्रोटेड्रस कंडीशन कैन बी सीन इन प्रोटोगाइनस कंडीशन कैन बी सीन इन फाइकस सम फैमिली इज नथिंग बट योर फैमिली ठीक है जस्ट टू ट्राई एंड अवॉइड दूसरा क्या डिफरेंस ये फर्स्ट सेकेंड दो पॉइंट हुए तीसरा पॉइंट द थर्ड वे ऑफ अवॉइडिंग सेल्फ सेल्फनेशन हेट्रोस्टाइली डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल हेट्रोस्टाइली में हमारे पास ऐसे आ जाते हैं दो तरीके के फ्लावर्स आते हैं ठीक है वन दिस दिस अदर एंड हेट्रो, हेट्रो हेरेकोगेमी हेरेकोगेमी में तो क्या होता है ना कि एंथर का लाइन ऑफ डेहिसेंस जहां से पोलन निकलेंगे अंदर की तरफ नहीं है अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करानी है ना बेटा तो यहां स्टिग्मा है

ठीक है दैट इज कॉल्ड हेरेको क्या बोलते हैं उसको हेरेको गेमी बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मॉर्फोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी मॉर्फोलॉजिकली इतना अलग अलग प्लेस है ऐसे अलग अलग तरीके से रखी हुई है कि नहीं गिरेगा इसमें क्या होता है स्टिग्मा इज शॉर्ट एंथर और फिल्मेंट इज वेरी टॉल फिल्मेंट इतना लंबा है कि फ्लार के बाहर ही जा रहा है यह उसके अंदर वाले ट्यूब में फंसा है कहीं ट्यूब में और यह ऑलमोस्ट बाहर की तरफ निकला हुआ ठीक है बाहर इतना है कि उसका पोलन अंदर की तरफ नहीं गिरेगा बेटा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें स्टिग्मा का हाइट बहुत ऊपर है पोलन नहीं पहुंचना हुआ ठीक है द फर्स्ट वन इज नोन एज थ्रम टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड एज पिन टाइप ऑफ हेट्रोस्टाइलिंग पिन जैसा दिख रहा है ना वैसे ऑल पिन वगैरह आते थे बड़े बड़े लंबे पिन इसके पीछे एक थ्योरी और दी हुई है एंड दैट इज़ वो बोलते हैं कि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं अ टाइप ऑफ इंसेक्ट पॉलीनेटर की अगर बात करी जाए तो एक पर्टिकुलर हाइट पर ही उड़ना पसंद करते हैं ना जैसे आपने देखा होगा मच्छर वच्छर भी जब फैलते हैं तो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक एटमैक्स जाते हैं थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर पर जाओगे आप मच्छर नहीं काटते वहाँ नहीं होगा इतना मच्छर है ना तो इंसेक्ट्स यूजअली फ्लाई एट पर्टिकुलर हाइट बट उसके अलावा एक अगर आप प्लाट एम्ब्रोलॉजी वगैरह की किताब में भी पढ़ोगे है ना तब भी आपको एक पैराग्राफ मिलता है हेटरो पे बहुत रेयरली इसको कहीं एक्सप्लेन ढंग से किया हुआ है जो तो सिंपल हम ये मान के चलते हैं दैट वेदर इट इज हेटरोस्टाइली दो अलग तरीके के स्टाइल की लेंथ हो चाहे हेटरो या गेमी हो कि बाहर की तरफ गिरा रहा है या अंदर की तरफ पोलन गिरा रहा है ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटीज हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा है फ्लार का कि बायसेक्सुअल होने के बावजूद कंपेटेबिलिटी नहीं मिल रही है ना फ्लार बाइसेक्सुअल है हो सकता है कि सिंक्रनी भी है उनके मेच्योर होने में लेकिन फिर भी मॉर्फोलॉजिकली एंथर और स्टिग्मा का प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि बात नहीं बन रही है ना इनके ग्रहण नहीं मिल रहे तो हेड्रोस्टाइल एंड लास्ट विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी बट दिस इज मेजरली जिनेटिक आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन के बारे में कंपैटिबिलिटी प्रोटीन कंपैटिबिलिटी प्रोटीन आर रिलीज बाय टेपिटम ये लिखा था हमने नोट्स में नोट्स पलट के देखो टेपिटम से रिलीज होते हैं हमारा कैलेज जो कैलोस को डाइजेस्ट करता है न्यूट्रिशन स्पोरोपोलन ठीक है एंड वी आल्सो रिलीज पोलन किट अब पोलन किट के साथ साथ हमारे पास रिलीज होता है कंपैटिबिलिटी प्रोटीन तो मेरे पास जो पोलन है ना उसके सरफेस पे उसके एग्जाइन पे उसके इंटाइन पे डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन जो एक रेड फ्लैग जैसे एक्ट करते हैं ठीक है वेरियस प्रोटीन्स जिनके बीच में केमिकल डायलॉग होगा जब वो स्टिग्मा पे गिरेगा तब उसको चेक किया जाएगा भाई तू क्या लेके आया अपने साथ किस तरीके के तुम्हारे सरफेस पे प्रोटीन है अगर तुम्हारा और मेरा प्रोटीन मिलता है अगर तुम्हारे सरफेस पे ब्लू कलर के प्रोटीन है और मेरे पास भी ब्लू कलर के प्रोटीन है तो तुमको ग्रो नहीं होने देंगे क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहां हम मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं अगर तुम्हारे और मेरे प्रोटीन ये वाले मिल रहे हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन मिल रहे हैं तो चांसेस है कि तुम मेरे ही पोलन हो जो मेरे पे गिर गए है ना तो स्टिग्मा उसको वहीं रिजेक्ट कर देगा पिस्टल उसको वहीं रिजेक्ट कर देगा राइट बट इफ इट इज अ डिफरेंट प्रोटीन मान लो कि येलो कलर का प्रोटीन है जो नीचे आपके स्टिग्मा के साथ डायलॉग के बाद पता चला यार ये तो अलग सा है कुछ तो उसको ग्रो करने देंगे बिकॉज वी वॉन्ट मैक्सिमम जेनेटिक वेरेबिलिटी अगर कुछ भी डिफरेंट है तुम्हारे पास यू आर अलाउड टू ग्रो ऑन इट बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर जेनेटिक वेरिएशन जिसकी वजह से चांसेस आ जाते हैं कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल कर सके वो ठीक है इज़ हाई चांसेस ऑफ़ नहीं पोजिशन ऑफ ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर होने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट द पोजिशन ऑफ ओवरी दैट मैटर्स इट इज देंथ ऑफ स्टिग्मा इन स्टाइल दैट मैटर्स स्टाइल की बात हो रही है स्टिग्मा की बात हो रही है क्योंकि ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है बेटा इसमें ओवरी इंफीरियर है सुपीरियर है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर है उससे कोई फर्क नहीं आएगा बच्चा शेयर से शे, ठीक है नहीं इसका कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन हो सकता है इसमें कंफ्यूजन आई गेट योर पॉइंट ठीक है बट इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा रीजन बींग रीजन कि ये चीज इंटरेक्शन पे नहीं है पहले स्टेप का इंटरेक्शन है ये ओवरी के पोजिशन से कुछ लेना देना नहीं नो दे कुड बी अ लॉन्गर लेंथ ऑफ फिल्म ये आपका स्टाइल लंबा हो सकता है और छोटा हो सकता है उसकी वजह से आपका पोजिशन ऑफ स्टिग्मा आगे पीछे होगा उसकी वजह से कंपेटेबिलिटी थोड़ा डिफर कर सकती है पोजिशन ऑफ ओवरी हैज नथिंग टू डू विद इट क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना मोर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वो चीज गॉट योर पॉइंट Clear, बेटा चले आगे हाँ जी मेल फ्लॉर है लेकिन साल में कभी कभी फ्रूट आ रहे हैं। कैसी बात करते हो यार है लड़का है लेकिन एक दो बार बच्चे दे देता है ये को बात है मिक्स एनी सेंस है कोई लॉजिक इस बात में तुम्हें बहुत लग रही है मेल प्लान है ओवरी है ही नहीं वो अगर आर्टिफिशियली इफ यू स्प्रे केमिकल्स ऑन इट ठीक है जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अभी आठ बजे जो हमारे सेशन चल रहे है, उसमें मैं ये कि male, male करा देते हैं उसमें uh, वो मेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लॉर बनवा देता है ठीक है बट ये वैसे ही हो गया जैसे यू आर टेकिंग टैबलेट ऑफ जैसे आपने सुने होंगे है ना उसमें क्या होता है दे आर ऑलवेज ऑन एन हॉर्मोनल पिल्स क्योंकि बॉडी तो नहीं बनाएगी ना बाकी के हॉर्मोन्स तो एक्सटर्नली दे आर गिवन दो सप्लीमेंट्स ऑफ दो हॉर्मोन्स तो हार्मोन्स के खेल साथ खेल जाओगे तो बात अलग है बट नैचुरली अगर एक पेड़ लगा हुआ है और मेल प्लांट है तो उसपे सिर्फ फ्लार आएगा ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं आएगा बेटा ठीक है चलो, लोग लोग. तुम लो. Next. अब हमारे पास आते हैं के दिफर्न, दिफर्न तो तो हमें समझ में आया. है, which is an intermediate, and में आया. है, है. ठीक मेरे को ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन में कोई नहीं चाहिए होता ठीक है अपने पास ही है फ्लार के आसपास ही है पोलन गिर जाएगा सॉर्टेड तो ऑटोगेमीज लाइक मेरे को नहीं चाहिए तू अपना देख. गाइड उन्होंने बोला यार मेरे को फंक्शनली तो आई वॉन्ट टू हेल्प मी आउट कि पोलन यहाँ से वहां ले जाए ठीक है क्योंकि मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देते गधे जैसे और अब मेरे को इधर से उधर पोलन भेजना है चाहे वो जरा सा ही काम हो कुछ तो रेवल्यूशनरी फर्स्ट स्टेप कि ठीक है तू ले जा पोलन थोड़ा मैं ले जाता हूँ तो ऐसे क्या किया उसने बोला कि चल मेरे को पोलन ट्रांसफर करने के लिए तो कोई चाहिए जिसने जैनों के मी से दोस्ती कर बोला तेरे पास आ रहे हैं ना पोलिनेटर्स तो मैंने बोला हाँ बोला यार थोड़े बहुत मेरे को बता दे आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ पॉलीनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स ठीक हैल्ड एज बायोटिक एंड दर इज कॉल्ड एज ए बायोटिक बायोटिक ए बायोटिक बायोटिक तो हो गया लिविंग जितने भी लिविंग हमारे पास मेंबर्स आ जाएंगे पॉलिनेशन के लिए वहीं पे ए बायोटिक हो गया हमारे लिए नॉन लिविंग ठीक है और नॉन लिविंग में बेटा हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ विंड एंड वॉटर लिविंग में हमारे पास आ जाते हैं नॉन लिविंग में हमारे पास आ जाते हैं विंड एंड वॉटर कूल विंड एंड वॉटर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन ये पुरानी कहानी है ये नया नहीं है कुछ पानी तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था इन एल्गी ब्रायो टेरिडो टेरिडो तक भी हमारे को पानी पर डिपेंडेंस था प्लांट के अंदर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ गे और और ने बोला पानी नहीं है यार पास जेरोफेटिक कंडीशन है तो बोल हवा को यूज कर ले तो ठीक है सो एयर एंड वाटर इज नथिंग न्यू दैट द प्लांट इज यूजिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ गे मीट्स और फोर्सिंग इट इज बायोटिक दैट इज न्यू ये जो बायोटिक है ना ये बायोटिक वाला पार्ट है दैट इज एप्सोलूटली समथिंग दैट हैज डेवलप्ड विद दिस एनजियो हम बोला जब इतने लिविंग लोग हैं आसपास है ना तो लिविंग है एडवांटेज उठा सकते हैं तो एडवांटेज उठा लिया बादल है एडवांटेज उठा सकते हैं तो वो कर दिया हमने क्या कर दिया कि बायोटिक जितने भी हमारे पास एजेंट्स हैं उनको हम धीरे धीरे यूज करने लगे इन पॉलिनेशन अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगा ठीक है तो पहले बात करेंगे ए बायोटिक एजेंट्स की फर्स्ट विल स्टार्ट विद विंड वॉटर एंड देन मूव टू बायोटिक एजेंट्स क्लियर गुड सो फर्स्ट विंड्म विंड पॉलिनेटेड जितने भी हमारे पास है प्लांट्स उनको हम बोलते हैं बेटा एनिमो एनिमो विंड लविंग ठीक है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स विंड पॉलिनेटेड फ्लावर अडेप्टेशन कैसा होगा कैसे आपको पता चलेगा कि एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है हाउ विल यू नो विप्टेशन ऑफ विंड पॉलीनेटेड फ्लॉर ठीक है जब भी आप कोई सिम्टम्स या ऐसी चीजें याद करते हो ना जिसमें पूरा लिस्ट है ऑर्गेनिज्म का ऑलवेज स्टार्ट जैसे ह्यूमंस में अगर आप, 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 आप सिम्टम पढ़ रहे हो तो हेड टू टो सिम्टम पढ़ो कि खोपड़ी से लेके पैर तक क्या हो सकता है इसको ठीक है सिमिलरली अगर आप प्लांट में पढ़ रहे हो जैसे हम यहाँ पे करेंगे मूव फ्रॉम आउटर टू इनर साइड और सिंपल मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के साथ बहुत अच्छे तरीके से जाएगा आपका मोर्फॉलोजी का चैप्टर तो अगर कोई बच्चा देख रहा है ट्वेल्थ क्लास का और इलेवेंथ रिवाइज करना चाहता है काफी हद तक प्रिपरेशन हो चुकी है तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के साथ मॉर्फोलॉजी रिवाइज करना ऐसे तार कनेक्ट होंगे ना खोपड़ी में मजा आ जाएगा ठीक है सो फर्स्ट अडेप्टन वेन यू स्टार्टिंग विदेश सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था इन फ्लोरेश so, यहां आर स्मॉल And इन कॉन्स्पिकुअस इन कॉन्सपीक्यूअस मीन्स यू कैन नॉट सी दम विद नेकेड आई बहुत छोटे छोटे टाइनी फ्लार्स होंगे अब इतने छोटे फ्लावर अगर आपने बना दिए हैं, तो आप उनको पैक करोगे इन फ्लोरिसंस में फ्लाज आर पैक्ड इन इन फ्लोरिस इनफ्लोरेसेंस में पैक करोगे उनको गुच्छा बनाना है क्योंकि इंडिविजुअल फूल बहुत छोटा है ठीक है अब अगला थर्ड पॉइंट फ्लार हुआ इनफ्लोरेसेंस हुआ फर्स्ट वर्ल्ड केलेक्स दूसरा वर्ल्ड कोरोला नोन एज नॉन एसेंशियल वर्ल्ड क्यों चाहिए भाई नहीं चाहिए ना आपको तो फ्लार आर फ्लार्स आर नाइदर ब्राइटली कलर्ड नोर फ्रेग्रेंट कोई खुशबू नहीं कोई ब्राइटली कलर्ड फ्लावर नहीं ज्यादातर ऐसे येलोइ ग्रीनिश कलर के ही फूल होंगे ठीक है ना खुशबू है ना ब्राइटली कलर्ड है ना नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है कोई लालच नहीं देना आप विंड को क्या लालच दोगे आप विंड को ये लालच नहीं दे सकते ना भाई आ जाए इधर की तरफ उड़ ले नहीं हो सकता है वो ठीक है सो नो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स नो फ्रेग्रेंस एंड नो नेक्टर नो बेट वी कैन नॉट गिव एनी लालच टू द टू द विंड फिफ्थ पॉइंट केलेक्स कोरोला एक तो ब्राइटली कलर्ड नहीं ऊपर से हाईली रिड्यूस्ड तो के लिख रही हूं मैं केलेक्स के लिए कोरोला लिख रही हूं मैं सी लिख रही हूं कोरोला के लिए ठीक है केलेक्स कोरोला मोर्फॉलोजी में यही सिंबल्स यूज किए थे रिड्यूस्ड हाईली रिड्यूस्ड ठीक है अब आ जाओ अंदर अगला वॉल। थर्ड वॉल क्या है हमारे पास पांचवा पॉइंट हो गया ना सिक्स पॉइंट वर्सेटाइल आंथर वर्सटाइल आंसर का मतलब आपका आंसर ना बेटा कुछ ऐसे प्लेस्ड है ये देखो यू सी दिस ऐसे है कि हवा किधर भी चले किसी भी डायरेक्शन में चले ये मुड़ जाएगा उस डायरेक्शन में तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि ऐसे हो रहा है वैसे हो ये जिस भी डायरेक्शन में हवा चलेगी उधर उड़ जाएगा ठीक है तो वर्सिटाइल आंसर चाहिए आपको अच्छा अंतर की बात कर रहे हैं तो पोलन की भी बात कर लेते हैं पोलन वेरी हाई अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है इसलिए अगर याद हो तो पहला चा, पहली क्लास पोलन एलर्जी की बात करी थी बोला था एनिमोफिलस प्लांट जो है वो पोलन एलर्जी करते हैं क्योंकि इतना एक्सेस अमाउंट में पोलन रिलीज करते हैं दैट दे कॉज एलर्जीज ऑल्सो ठीक है वेरी हाई अमाउंट दे आर डस्टी दे आर लाइट वेट एंड बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज एज वेल स्मॉल भी लिख लो हाई अमाउंट स्मॉल इन साइज क्योंकि उड़ना है ना डस्टी एंड आर रिलीज इन ह्यूज अमाउंट ठीक है अब अगला पॉइंट अगला पॉइंट आएगा नेक्स्ट वोल दैट इज गाइनोशियम वाले पार्ट में आ गए हो आप गाइनोशियम में सबसे पहले फेदरी स्टिग्मा क्योंकि आपका स्टिग्मा कोशिश करेगा हवा हाँ में से पोलन ट्रैप करने का दिख रहा है कुछ है ना स्टिग्मा ताकि एयर के को ट्रैप किया जा सके नाइन्थ पॉइंट ज्यादातर एक ही कार्पल होता है मोनोकार्पलरी अगर वो भी नहीं लिखना है तो वन ओव्यूल वन ओव्यूल ओवरी देखो बहुत ज्यादा चांस पर डिपेंडेंट चल रही है सिचुएशन कि हवा अगर इस डायरेक्शन में चलेगी आपके पास इधर आंसर है ठीक है इधर स्टिग्मा है हवा का डायरेक्शन ये है कोई नहीं पहुंचा उस पर है ना तो बहुत ज्यादा चांस डिपेंडेंट चल रहे हो आप Since so much एक भी पोलन आएगा कि नहीं आएगा मुझे एक पोलन आने की भी गारंटी नहीं है ठीक है नीचे मैं सौ ओव्यूल भर दू तो मुझे एटलीस्ट एक, एक पे सौ पोलन चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए कहां से आएंगे भाई तो बहुत ज्यादा चांस डिपेंडेंट है ना इसने इसने बोला कि एक काम करते हैं हर ओवरी में एक ओव्यूल रखते हैं मोस्टली जो विंड पॉलिनेटेड होंगे आपको ए, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल मिलेगा और ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स एक गुच्छे में एक साथ रखे होंगे कि अगर गलती से एक भी पोलन गिर गया और वो कंपैटिबल निकला सही निकला बढ़िया है वो ग्रोथ कर देगा ठीक है बेटा क्लियर है यहां तक जल्दी कमेंट सेक्शन क्विकली विंड पॉलिनेटेड एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या Advantages आपके पास वही है कि आपको जो एनर्जी है पॉलिनेशन की विंड इज अवेलेबल ऑलवेज अवेलेबल ठीक है एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता विंड मेरा पॉलिनेटर अगर लिविंग है वो पता चला उसको मार के खा गए वो पॉलिनेटर खत्म हो गया बट विंड तो नहीं खत्म होगा कभी ठीक है क्लियर है यहां तक बेटा सबको चले आगे थैंक यू नॉन स्टिकी हो गया ना बेटा डस्टी नॉन स्टिकी भी लिख लो ये भी ठीक है लाइट नॉन स्टिकी ये भी ठीक है वी कैन ऐड अनदर पॉइंट थैंक यू कृति चलो नेक्स्ट पॉइंट वाटर पॉलिनेटेड वाटर पॉलिनेटेड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफिलस हाइड्रोफिलस फ्लावर हाइड्रो फ्लॉर हाइड्रो हाइड्रोमींस वाटर फिली पॉलिनेशन हो गया आपके पास ठीक है हाइड्रोफिली में कुछ अडेप्टेशन तो होंगे राइट बट देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली एक तो ये बहुत रेयर है वेरी रेयर नियरली थर्टी जनराइ ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिनमें पॉलिनेशन पानी करता है तो अगर विंड वाटर और बायोटिक में देखा जाए तो सबसे लीस्ट पॉलिनेटेड हमारे पास पानी के थ्रू है ठीक है ये कौन पागल हो गया ओके okay. ठीक है नाउ हाइड्रोफिली जब हमारे पास है वाटर पॉलिनेशन तो देर आर इट वेल बट पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिलीज ऑफ टू टाइप्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली फर्स्ट एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली एपी हाइड्रोफिली एपी मीन अब ना एपी मीन ऊपर पानी के ऊपर पॉलिनेशन होगा हाइपो बिलो पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा अब वॉटर अब वॉटर वाली कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है ऐसे बना देते हैं ना पूरा एक ही साथ बना देते हैं एग्जाम्पल आता है आपका एरिया का ग्रास राइट वैलिस इज नोन एज टेप ग्रास right? इसमें इस मेरे पास मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है तो एक स्पाइरल सा बनता है फीमेल फ्लावर ऊपर चला जाता है दिस इज द फीमेल फ्लावर ठीक है वहीं पे मेल फ्लावर जो है वो अपने पोलंस को रिलीज कर देता है मूव टू द सर्फेस ये सर्फेस पे आ जाते हैं और पोलिनेशन होता है ठीक है से देखो मेल स्टेमिनेट फ्लॉर्स आर रिलीज अब सर्फेस इस फ्लार के अंदर आपके पास आंथर है आंथर में स्टिग्मा है ठीक है सर्फेस पे आ गया वहीं पर फीमेल फ्लार भी एक्सटेंड हो गया ऊपर तक पिस्टलेट फ्लॉर इज द फीमेल फ्लॉर मेल फ्लार स्टेमिनेट फ्लॉर

Is an example of monoecious or dioecious? Comment section. Is an example of monoecious or dioecious? Valusinaria. Quickly. Though Alag plant body, though Alag plant बॉडी अब मैं इससे आसान क्या करूं बेटा 200 बार बता चुकी हूँ डाई मीन्स टू ईशियस मीन होम मे, होम मेल और फीमेल अगर दो अलग घर में रह रहे होंगे तो डाईशियस होगा अब इससे आसान और क्या करूं तुम्हारे लिए अभी भी मोनो बोलोगे तो अपने थप्पड़ मारो अब मारो अपने थप्पड़ मेल अलग बॉडी पे है फीमेल अलग बॉडी पे है डायसिस नहीं हुआ छप गया होगा दिमाग में नींद में सोगे रात को याद आएगा बोलूंगी मैं मेल फीमेल अलग बॉडी पे है डायसिस सुनाई देना चाहिए अब तो कान में मेरी आवाज इतनी बार बोल चुकी हूं ये पॉइंट नाउ हाइपोहाइड्रोफिली व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द ग्राउंड ठीक है बिलो सॉरी बिलो द वाटर वाटर सरफेस के नीचे हो आप ठीक है पॉलिनेशन जो भी हो रहा है वो नीचे हो रहा है पानी के जोस्टेरा वैसे ये नहीं होता बट ठीक है पॉलिनेशन यहीं कहीं हो जाए अगर बिलो द वाटर ठीक है तो पॉलिनेशन इज़ बिलो वाटर कैसे दिखाएं? यहीं पे दिखा दो दिस इज सीन इन जोस्टेरा जोस्टेरा सी ग्रास के नाम से जाना जाता है और वैले टेप ग्रास के नाम से जाना जाता है जोस्टेरा ठीक है फीचर्स ऑफ़ फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय वाटर तो इनके अडप्टेशन क्या होंगे पहला वही सारी चीजें आप अट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हो पानी को अपनी तरफ किधर की तरफ भेजा भाई ये काम तो हो नहीं सकता तो इसका मतलब वही सारी चीजें नो फ्रेगरेंस नो फ्रेगरेंस और कलर और नेक्टर बेसिकली नो बेट नो बेट यू कैंट प्रोवाइड एनी बेट टू इट ठीक है अगला सेकेंड जो पोलन आपके पास बनेंगे वो थोड़े अलग बनेंगे ठीक है केलेक्स कोरोला रिड्यूज होगा कोई बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर फ्लावर नहीं बन रहे लेकिन सबसे बड़ा एडाप्टेशन एड़ा इसके पोलन का पोलंस आर रिलीज इन वेरी हाई अमाउंट ठीक है हाई अमाउंट में रिलीज होगा इन वेरी हाई अमाउंट दूसरा नेक्स्ट लॉन्ग पोल्स वी हैव लॉन्ग पोलस ऑलमोस्ट रिबन शेप्ड रिबन शेप्ड पोल्स ठीक है इसके अलावा उनके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज कवरिंग कवर्ड विद म्यूसिलेज म्यूसिलेज लाइक सब्सटेंस जैसे वासलीन जैसा वैसलीन जैसा एक म्यूसिलेजनस कवरिंग होती है जो कि इसको अनवेटेबल बनाती है अन वेटेबल पोलंस नहीं तो गीले होके पानी एब्जॉर्ब करके नीचे गिर जाएंगे वो उनको फ्लोट करते रहना है तो दे आर लॉन्ग कवर्ड म्यूसिलेज रिबन लाइक अनवेटेबल पोल एंड ऑब्वियसली रिलीज इन एक्सेसिव अमाउंट ठीक है क्या हो गया नेट क्यों गया क्लियर लिख लिया यहाँ तक लिख लिया यहाँ तक चलो आगे हम्म hmm. ठीक है बेटा अब आ जाते हैं uh, इंसेक्ट पॉलिनेटेड तो हमारे पास आ गए इंसेक्ट पॉलिनेटेड बायोटिक एजेंट्स है ना बायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट पॉलिनेशन या बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन अलग अलग नाम फॉर अलग अलग बायोटिक एजेंट सिंपल इज दैट राइट सो द फर्स्ट नेम दैट वी हैव इज वेरी वेरी सिंपल एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंटोमो एंटोमोफिली इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड सबसे ज्यादा कॉमन द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटेड इसके सबसे ज्यादा वो एडवाडेप्टन क्या होंगे यहां सब कुछ आ जाएगा बेटा इट विल बी ब्राइटली कलर्ड ब्राइटली कलर्ड इसके पास फ्रेग्रेंस भी होगा ठीक है इसके पास नेक्टर भी होगा और हो सकता है शेल्टर भी हो फॉर लेइंग एग्स शेल्टर फॉर लेइंग एग्स ये प्लांट पॉलिनेटर इंटरक्शन है दिस इज अ म्यूचुअलिज्म वाला सिचुएशन प्लांट कुछ दे देता है

यूजली जो बर्ड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर होंगे वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं ठीक है दे आर लार्जर इन साइज फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड इट इन बॉम्बेक्स एग्जाम्पल एक आप ले सकते हो बॉम्बैक्स ठीक है सीबा कैलिस्टेमोन बॉटल ब्रश जिसको बोलते हैं यार ये नेट का गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ वीडियो स्टॉपिंग बेटा आपको आवाज़ ठीक से आ रही है मौसम इतना बढ़िया है तो मौसम से फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए क्या प्रॉब्लम क्या भाई तुम्हारा चले आगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बैट पॉलिनेटेड बैट पॉलीनेटेड में हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज इट कॉल्ड एज कायरो टेरो ज्यादातर बैट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं दे आर व्हाइट और लाइट कलर्ड इट कलर्ड ठीक है दे ब्लूम एट नाइट ब्लूम एट नाइट ठीक है या फिर उनके अंदर ओडर होगा और अ फ्रूटी स्मेल फ्रूटी स्मेल ठीक है ऑर्गेनिक मैटर के रॉट होने जैसा स्मेल आ रहा होगा ओडर होगा हो गई है मतलब मेरा दिख रहा है तुमको मेरे फोन में क्या कुछ लोचा है भाई फोन में सॉरी हम्म क्योंकि वहां नेट ठीक चल रहा है वहां आई कैन सी दैट देर इज प्रॉपर वेवलन यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है फिर आ जाता है हमारे पास मायर मेकोफिली एंड पॉलिनेटेड अगर ants और termites वगैरह हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में मायर मेकोफिली बैट पॉलिनेटेड के लिए आपको कुछ वाइल्ड वेराइटीज ऑफ बनाना मिल जाएगी म्यूसा You will find, uh, कदम का पेड़ गेटिंग पोलिनेटेड बाई दिस ठीक है pollinated. इसकी जगह आपके पास मायर मेको फिल्म में कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे मैंगो मैंगो प्रोसेपिस कीकर ठीक है इन पे क्या होता है आप देखोगे चीटियां रहती हैं पेड़ पे क्योंकि वो कहीं कहीं पे छोटे छोटे शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है टू अट्रैक्ट एंडस तो उसके चक्कर में जब वो उसके पेड़ पे रह रही है तो यहाँ ट्रैवल करती है और उसके पूरे पॉलिनेशन कर देती है मायरमेकोफिली एंड को और को तो मेन अट्रैक्ट करने का शुगर सब्सटेंस रिलीज़ सम शुगरी रेगुलरली ठीक है तो काल पॉलिनेटेड स्नेल पॉलिनेटेड मैलेकोफिली सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिली आधेर कुछ लिली जैसे प्लांट्स हैं छोटे प्लांट्स हैं जिनके आसपास स्नेल्स रहते हैं वो धीरे 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 मूव करके पॉलिनेशन कर सकते हैं स्नेक पॉलिनेटेड स्नेक पॉलिनेटेड ओफियोफिली ओफियोफिली स्नेक पॉलिनेटेड में कुछ एग्जाम्पल्स आपके एरेसी फैमिली के आ जाएंगे सम आयरम्स आधेर ठीक है ये कोबरा प्लांट है कोबरा प्लांट भी उसके जैसा ही दिखता है राइट right, सैंगटालम चंदन चंदन के पेड़ पे सांप रहते हैं तो देर थिक वुडी फ्लावर्स ऐसा नहीं होता कि हल्का सा फूल है आपके जैसा रोज जैसा फूल नहीं होगा है ना अब देखो सिंपल सी फूल <laughs> सारे रोज जैसे नहीं होते कि आपने हाथ लगाया और झड़ गए सारे पत्ते ठीक है और स्नेक सारे आनाकोंडा नहीं होते जैसा so तो आपका है कोबरा ही करेगा पतले पतले snakes also that live on some trees, जो उसके उसमें घुस जाते हैं और दिखते भी नहीं आपको Sometimes woody, थोड़ा उनका जो पैटर्न होगा वो लकड़ी जैसा ही होता है उस पर ही प्लांट पे रहते हैं तो वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर देते हैं ठीक है एक्सट्रीम मत जाया करो हर बार लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज ऑफ स्यूडो कॉप्युल ठीक है उूडो कॉपुलेशन बेटा स्यूडो कॉप्युलेशन इज बुद्ध बनाना ठीक है इट इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट सेक्शुअल डिसीट बुद्धू बना रहा है इसका कौन बुद्धू बना रहा है हमारे पास दो है प्लांट एक प्लांट एक है एक बी है कॉल्पा बी एंड ओफाइर ओफाइरस इज द प्लांट ऑर्किड है ये दिस इज ऑर्किड ना ओफाइरस अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लिया है ये जो हमारा बी है ये फीमेल कॉल्पा बी से सिमिलर दिखाई देने लगता है कैसे इसके ऊपर सिमिलर मार्किंग्स है ओडर है स्टार्ट स्टार्ट स्मेलिंग लाइक लाइक इट इट ऐसे छोटे से बी जैसे दिखाई देने लगता है कैसा बी द फीमेल बी मार्किंग्स उसके जैसे हैं रिलीज ऑफ केमिकल वैसा है फेरोमोन्स जैसे टाइप केमिकल रिलीज कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली फीमेल बी दिख रहा है ठीक है सो द मेल कॉल्पा बी गोज फॉर कॉप्युलेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेकिन ये तो प्लांट है दिस इज दिनिमल एंड दिस इज द प्लांट ठीक है तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो होना नहीं है ऑब्वियसली तो इसका हुआ पोपट धोखा ठीक है अल्ट्रा लेवल धोखा

प्लांट तो का तो एडवांटेज है वो ऑलमोस्ट लाइक इफ नाइदर हार्ड नॉर बेनिफिटेड चलो जीरो सा उसको म्यूचुअलिज्म के साथ एक्सप्लेन कर गया है वो उनकी भी भावनाएं समझो वो बस आपको एक्सप्लेन करते चले गए कि देखो ऐसा भी हो सकता है इट्स नॉट ऑलवेज क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन कुछ ऐसे इंटरेक्शन भी चल रहे हैं नेचर में जिस जिसको हम ठीक है नॉट रियली क्लासिफाइड एनी वेर ठीक है कहीं बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इसको नेक्टर मिल जाता है इट माइट प्रोड्यूस द प्लांट माइट प्रोड्यूस सम नेक्टर टू यू नो थैंक द पॉलिनेटर फॉर पॉलीनेशन बस इतना पॉसिबल है बट दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर ठीक जब तक एनसीआरटी में जो चीज जहाँ लिखी है जब तक वो वहां लिखी है तब तक वो वहीं आएगी आंसर में भी अगर म्यूचुअलिज्म में लिखा है तो म्यूचुअलिज्म में ही आएगा आंसर आप अपना फंडा क्लियर रखो कि क्या एक्चुअली नेचर में हो रहा है है ठीक ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहां किसी का बुद्धू बनाया जा रहा है ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहां पे पोलिनेटर सामने से आने की जगह पीछे से आके नेक्टर लेके चला जाता है ठीक है उसको पोलन ट्रांसफर करने को बोला था वो भाई साहब बैठ के खा रहे हैं पोलन खा गया पोलन ठीक है ऐसे बहुत हैं वी फाइंड पोलन एंड नेक्टर रॉबर्स ठीक है तो प्लांट का भी बहुत बार बेवकूफ बनता है बहुत बार बेवकूफ बनता है प्लांट बोलेगा कि नहीं चला आ जाते नेक्टर बनाया है। सामने से जो पिचारा पोलिनेटर आ रहा है उसका कोई ना कोई यू you नो know, खाना चुराने के लिए पीछे से आके पोलन और या नेक्टर लेके चला जाएगा और बाय बाय टाटा बाय बाय खत्म तो देर आई यूज एग्जाम्पल्स वेर पोलिनेशन डिज नॉट टेक प्लेस इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग नेक्टर तो एक चीज एक स्कीम इवॉल्व होती है, है ना जैसे कोई भी एक नई स्कीम आती है वो इवॉल्व हुई लेकिन उसका तोड़ तो ढूंढ ही लेता है कोई ना कोई तो ये तो नेचर है ठीक है उसको खराब तो करना ही है करप्शन तो उसमें आ ही जाएगा थोड़ा थोड़ा तो पीछे से कोई नेक्टर चुरा ले गया कोई पोल नहीं खा गया हमें देखो हम फूल ही खा जा रहे हैं पूरा को पूरा

क्यों मेरी ही क्लास में लेके आते हो ऐसे मैं ज्यादा देखती हूँ चार्ट है ना मैं तुम लोगों की बकवास ज्यादा सुनती हूँ इसलिए तुम लोग ज्यादा बकवास करते हो अब जाओ सो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इसको याद कर लेना ठीक है uh, इसको देख लेना यहाँ तक रीडिंग लगा लेना पॉलिनेशन तक टू थर्टी पे अभी क्लास है टू थर्टी पी एम वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन इन द क्लास एट टू थर्टी और आज ही रात को आठ बजे एट ऑफ एट पी एम वी आर डूइंग प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है तो बेटा आज ये दोनों क्लासेस आपसे फ्री है आप लोग आ सकते हो क्लास में कॉमन को लाइफ कोड अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया था तो आप एनरोल कर सकते हो बाई डाउनलोडिंग दी ऐप एंड फ्री एनरोलमेंट है कोई चार्जेस नहीं है इसके लिंक आई विल बी शेयरिंग ऑन दिस टेलीग्राम आई ठीक है दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे आपको राइट सो यू कैन गो और जस्ट गो टू माई प्रोफाइल आपको सीधा लाइव क्लास मिल जाएगी ढाई बजे और आठ बजे ठीक है चलिए तो आइकॉनिक और प्लस जिसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो बेटा ज्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस होती है ज्यादा डाउट क्लियरिंग होता है और क्लास में आके कोई ये नहीं बोलता प्लीज टोप क्लेस प्लीज़ तो खैर तुम बोलते ही नहीं हो मी एम स्टॉप क्लेस नहीं बोलता कोई ठीक है तो वहाँ पे आराम से हम पढ़ते हैं टॉपिक uh, पे ज्यादा ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं चीज़ों को समझने में और अब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी एक स्पेशल अलग बात शुरू कर दिया हमने विच इज एट सेवन पी एम मैं क्लासेस ले रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं मंडे को प्रोटेस्टा के क्वेश्चन होंगे ठीक तो है तो स्टडी प्लानर और टाइम टेबल कोई हेल्प चाहिए तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो और आइकॉनिक के लिए अभी ऑफर चल रहा है कि सिक्स मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको नोट्स घर पे डिलीवर हो जाएंगे ठीक है बेटा ये दोनों मेरे बैचेस हैं जिनमें मैं पढ़ा रही हूँ बट थ्रू आउट थ्रू आउट पूरा हफ्ता महीना हर, हर हफ्ते, इन फैक्ट देर इज अ लॉन्च ऑफ अ न्यू बैच जिसमें आप कॉमन लाइफ कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो और मुझे बता देना मैम एनरोलमेंट हमने कर लिया है थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू तो वॉट शुड आई डू नाउ आई विल गाइड यू ठीक है मैं अपनी तरफ से जितना हेल्प हो सकेगा करूंगी आई ट्राई एंड आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल इन द स्पेशल क्लास ऑल्सो फ्री क्लास में जितने क्वेश्चन हो पाते हैं वो भी मैं फ्री डाउट क्लियरिंग में ले जाती हूँ तो अपनी तरफ से मैं पूरा जो जो नंबर ऑफ आवर्स तुम्हारे लिए प्लान करती हूँ आई गिव माई हंड्रेड परसेंट इन इट ठीक है जितना मैक्सिम पॉसिबल हो पाएगा वो मैं जरूर अपने एंड से करूंगी बट मुझे बता जरूर देना कि कोमल लाइफ कोड मैम यूज कर रहा है ठीक है अब ये इसी की बात करी थी मैं प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे इवन इफ यू आर गोइंग फॉर सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन

स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही ये तीनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक एडेड एडवांटेज है जो मेन टारगेट है वो ये है कि फुल सिलेबस में इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के ये देखो कि कौन बैठ भी पाया इतने चारों टेस्ट के लिए आधे लोग तो यही उम्मीद छोड़ देते हैं कि कौन देगा चार टेस्ट ठीक है तो ये ना करना चारों टेस्ट देने हैं टाइमिंग आपका 2:00 बजे का रहेगा जो आपका नॉर्मली रहता है ठीक है उसी टाइम पे हम टेस्ट करेंगे एंड यू कैन आस्क डाउट्स ऑन डाउटमीज लर्निंग एप यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस नो डाउट अबाउट इट और ये टेस्ट तो आपका हो गया होगा अब कॉम्बैट में फर्स्ट टॉप थ्री रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट ये क्या नाम है मेडल मिलता है और मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है हर संडे होता है बेटा ये एवरी संडे तो डेट चाहे कुछ भी हो हर संडे को कॉम्बैट होता है आप लोग पहले से भी एनरोल करके रख सकते हो कल और परसों में उसी लिंक पे जाओगे दोबारा एनरोलमेंट कर सकते हो आप 45 फाइव मिनट्स ट्वेंटी एट क्वेश्चन एवरी संडे अ कॉम्बैट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गेम के तरीके से आप पेपर दे सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच लाइक शेड सब्सक्राइब आई विल सी यूट टू थर्टी इन द क्लास कोई भी बच्चा क्लास नहीं मिस करेगा पॉलिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम एंड मजे से पढ़ते हुए आज का सेशन करेंगे खत्म अपने सारे टॉपिक्स रिवाइज कीजिए पूरा वीक है आपने पूरी मेहनत करी है उसको वेस्ट मत होने देना पूरा मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो संडे को चिल मार जाते हो एकदम मत करना ऐसा आज काफी सारे टीचर्स की क्लास नहीं है प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम फॉर योर सेल्फ फॉर रिविजन ऑफ वॉट यू हैव ऑलरेडी डन ठीक है तो टू थर्टी की क्लास के बाद आप फ्री हो सीधा आठ बजे हम लोग मिलेंगे टिल देन यू कैन जस्ट रिवाइज यू हैव डन इन द होल वीक Okay, thank you so much. Keep rocking and I will see you in class. Too.